अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज हम ट्रांसप्लांट करने लगे हैं जी शिमला मिर्च की पनीरी, और गर्मियों के सीज़न में भी ग्रो होती है, सर्दी में भी ग्रो होती है। और मैंने इस दफ़ा ख़ुद सीड्स नहीं लगाए बल्कि तैयार पनीरी ही लाया हूँ स्काई सीड से, और माशाल्लाह भरा हुआ पोट। और अब इसके छः से सात इंच के हाइट के तकरीबन प्लांट्स हो गए हैं, और कुछ पे ये फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अब लाजमी है कि इनको हम अलग अलग कर दें और फिर इनको अच्छे से इनकी केयर करें और इनसे फ्रूट्स लें। तो शुरू करते हैं जी, इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो बहुत अच्छा ये सेफ तरीका है, जो कि आपका एक प्लांट भी जो है वो इसे ख़राब नहीं होता। सो सबसे पहले रूट बॉल निकाल लेंगे, ये देखिए रूट्स, इनकी रूट्स कैसे बाउंड हो रही हैं अभी। खैर इसमें और भी ग्रो हो सकती थी, लेकिन बेहतर है कि हम इसको टाइम से ही अलग कर लें, और ताकि प्लांट अच्छे से अब ग्रोथ कर सकें। बहुत ही आराम से और नरम हाथ से इसको हम दबाएंगे, या इसको अगर हम इस तरह नीचे भी पटकेंगे तो ये अलग अलग होना शुरू हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि इनकी रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हों, रूट्स इनके ज़्यादातर साथ ही रहें, अपने आप ही इंशाल्लाह रूट्स के साथ अलग होंगे प्लांट्स। ये भी ज़रा कुछ छोटे भी हैं, लेकिन ये भी अब ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक बात जो ज़रूर ज़हन में रखें, या तो सुबह सुबह के टाइम फजर की नमाज़ के बाद इनको आप ट्रांसप्लांट करें। कोई भी हो, कोई भी प्लांट आपका हो, उस पर आपने काम करना हो, उसको शिफ्ट करना हो, कुछ भी करना हो फजर के बाद या असर की नमाज़ के बाद, जबकि सूरज ढल चुका होता है, ये सबसे अच्छा टाइम होता है कि आपका प्लांट जो है उसको एक अच्छा मौसम उसके बाद मिलता है। अपनी सबसे बेहतर तो शाम का टाइम भी है, क्योंकि उसके बाद उसको एक लंबा पीरियड थोड़ा सा मिल जाता है जिसमें वो सुबह तक अपनी आपको स्टेबल कर लेता है, उसका पानी जितना भी उसमें से ड्राई होता है वो उसको अच्छे से मिल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह के टाइम में शाम के टाइम में करें, वरना सुबह का टाइम भी बहुत बेहतर है। मैं ज़्यादातर वह सुबह के टाइम करता हूँ, क्योंकि शाम में घर पर नहीं होते, तो उस वजह से। और अलहम्दुलिल्लाह कभी इस साल भी तकरीबन 3-4 पनीरी जो हैं वो शिफ्ट की हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह सब ही ठीक रहेंगे। ऐसे ये देखिए अपनी पूरी की पूरी रूट्स के साथ ही अलग हुए, चलिए मैं इनको अलग कर लेता हूँ। तो ये जी मैंने अलग अलग कर ली हैं सारे, और मिट्टी भी साफ़ कर दी है, और कप्स में मैंने सॉइल भर ली है। तकरीबन एक हिस्सा, हाफ से कम कप जो है मैंने सॉइल भरी है कप्स में। और सॉइल क्या मैंने इसमें तैयार की है वो मैं बता दूं आपको। तीन हिस्से इसमें भाल मिट्टी नरम वाली, बिल्कुल उसको बिल्कुल बारीक किया हुआ है, और उसके अंदर जो है एक हिस्सा डीकम्पोज काउडंग और ब्लैक वाला अच्छी क्वालिटी में, वो मैंने इसमें यूज़ किया है। ठीक है जी, कप्स में मैंने सॉइल भर ली है, हाफ़ से कम कप सॉइल भरी है। वो क्यों भरी है, उसकी वजह ये है कि रूट्स आप देख सकते हैं जी कितनी कितनी ज़्यादा हैं। जो पहले मैं इस्तेमाल करता था तरीका, अगर रूट्स कम हो तो ये सबसे बेहतर है, ऐसे सुराख करें, अंदर प्लांट रखें। कोई छोटा प्लांट एक मैं आपको रख के दिखा देता हूँ ऐसे, और ऐसे सॉइल को बराबर कर दें तो ये आपका प्लांट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि रूट्स ज़्यादा हैं उसकी वजह से मैंने हाफ कप से कम जो है ना सॉइल भरी है कप्स के अंदर,
तो चलें जी ट्रांसप्लांट करते हैं, इनको शिफ्ट करते हैं, इसके अंदर ऐसे रखेंगे इसको इसके और कप के अंदर, और ऊपर से हम भरेंगे सॉइल। तो जी ये ले जी, ये हो गया शिफ्ट। इसको ऐसे ऊपर से डुबा दें, अच्छी तरह से इसको डुबा दें, और प्लांट आपका हो गया शिफ्ट। ऐसे ही हम सारे प्लांट्स को शिफ्ट करेंगे। एक और मैं करता हूँ यहाँ पे, प्लांट को बिल्कुल सीधा रखें और ऊपर से इसमें सॉइल डाल दें। लेंच ये भी शिफ्ट हो गया। ऐसे ही सारे हम प्लांट्स को शिफ्ट करेंगे। तो ये मैं जल्दी से शिफ्ट कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रांसप्लांट कर दी हैं, और सारे अपने अपने कप्स में बिल्कुल अभी तक फ्रेश हैं और ठीक हैं, और इंशाल्लाह कुछ दिन तकरीबन एक हफ़्ता इनको शेड एरिया में रखेंगे, उसके बाद इनको हम धूप में शिफ्ट कर देंगे। और एक काम ज़रूर करें, जो प्लांट्स बड़े हैं ऊपर से पिंच कर दें, जो फ्रूट्स भी हो या फूल वगैरह हो उनको अभी फ़िलहाल ना रहने दें, ऊपर से पिंच कर दें। इंशाल्लाह ये फ्यूचर में जो है आपको ज़्यादा फल देगा, इसलिए ऊपर से जो ज़रा बड़े हो गए हैं उनको ऊपर से पिंच कर दें। और पानी पानी जो है इनको ज़रूर, जैसे ही आप ट्रांसप्लांट कर लें ऊपर से भी इनको शावर कर दें, और किसी ट्रे में जिसे मैंने ड्रेनेज ट्रे रखी हुई है इस तरह ट्रे रख के, तो इसमें भी आप ज़रूर इसको पानी डाल दें ताकि इनको पानी बिल्कुल भी कम ना हो सके। तो इसमें से कुछ प्लांट्स जो है मैं रखूँगा और बाकी जो है वो मैं दे दूँगा। और जैसे मैं ऊपर पानी दिया इसी तरह इसकी ट्रे में भी पानी भर देंगे। अब ये सारी सॉइल इनकी गीली हो जाएगी, जो पानी की कमी हुई वो ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह अच्छे से ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट जो है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी कि मैं कौन कौन सी जो है सब्जियां इस साल उगाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसमें भी आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि जी आपको ये शिफ्ट करना आ जाएगी, अच्छा है ये तरीका, बिल्कुल भी आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गार्डनिंग करते रहें, अल्लाह हाफिज़।